आज हम लोग 10 प्लस 2 की दाखिले में परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए पिछले साल के 10 सालों के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग गति संबंधी प्रश्नों को, ये लगभग 30-35 प्रश्न है। फिर इसी तरह से 30-35 प्रश्न आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, फिर साउंड से रिलेटेड, फिर हीट से रिलेटेड, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग तरतीबवार पढ़ेंगे। आज हम लोग गति संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इन गति संबंधी प्रश्नों के बारे में हमने देखा है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ग्राफ से संबंधित हैं, जिन्हें हम लोगों के स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता बच्चों को, इन पर हमने खास ध्यान दिया है। आज हम देखेंगे इनमें से पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रदर्शित करता है? ए, ग्राफ ए, यह डिस्प्लेसमेंट एस एंड टाइम टी, ग्राफ इज लाइक दिस। बी इज लाइक दिस एस एंड टी, सी ग्राफ बिटवीन एस एंड टी इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन, डी इज ग्राफ बिटवीन एस एंड टी इज लाइक दिस। हम लोग देखेंगे यहां ए, ग्राफ ए ये प्रदर्शित करता है, शोज दैट द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन अर्थात व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो एस शुड बी जीरो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू इंटू जीरो प्लस हाफ इंटू ए इंटू जीरो स्क्वायर और एस इज इक्वल टू जीरो। हेंस वी सी दैट द ग्राफ ए सेटिस्फाइड द इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन वी सी दैट the graph is convex towards time, graph का उभरा हुआ भाग समय अक्ष की ओर है, जो यह प्रदर्शित करता है कि s is proportional to t square। ये है हमारे समीकरण s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर को संतुष्ट करता है। हेंस अतः चॉइस ए इज करेक्ट। अब हम देखें